नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन सेकंड सीजन के बारे में। इसकी पहली वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी अटैक ऑन टाइटन के सीजन फर्स्ट के बारे में, तो मैंने वहां पर कहा था कि मैं जब भी इसके सेकंड सीजन की वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं स्पॉयलर्स के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट सीजन के स्पॉयलर्स होंगे, सेकंड सीजन के स्पॉयलर्स होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की बात कर पाऊं, खुलकर बात कर पाऊं, और वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर या फिर जो स्टोरी है उसके बारे में बात ना कर लूं। तो जो भी स्पॉयलर्स नहीं चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को यहीं बंद कर देना, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। फर्स्ट सीजन में जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर के रूप में रही वो थी मिकासा। मुझे बहुत ज्यादा वो कैरेक्टर जो एनिमे थी वो बहुत ज्यादा पसंद आई थी, वो क्यूट भी बहुत थी। लेकिन सेकंड सीजन में उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया। एक तरीके से अच्छी बात ये भी है क्योंकि इसके अंदर जो है और बाकी जो कैरेक्टर है उनकी स्टोरी डेवलप करने पर, उनको उनके ऊपर फोकस करने पर ज्यादा ध्यान रहा है। फर्स्ट सीजन में जैसे हमें पता चलता है कि एरन जो अपने आप को ट्रांसफर कर सकता है टाइटन के अंदर, उसके अलावा और भी हैं, जैसे एनी जो लास्ट के इसके एपिसोड में हमें देखने को मिलती है, और इस सीजन में इसके जो दो और दोस्त हैं वो भी सामने आते हैं, एक है राइनर और एक है बैटलोट। मुझे नहीं पता कि मैं उनका नाम सही से ले पा रहा हूं नहीं ले पा रहा हूं, बट जो उसके राइनर के जो साथ था बैटलोट, क्योंकि यही नाम मुझे बार बार बोलना आ रहा था, मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी की, बट राइनर और बैटलोट इन दोनों के पास ये पावर है कि वो अपने आप को टाइटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने आप को। और जो बैटलोट जो था वो उसके पास जो पावर है वो जो कोलोसल टाइटन जो फर्स्ट सीजन में दिखाया गया था फर्स्ट एपिसोड में, जिसने मारिया जो दीवार थी उसकी गेट तोड़ दिया था, ये दोनों ही थे वहां पर, इन दोनों ने शुरुआत में वो गेट तोड़ा था। और फर्स्ट सीजन के लास्ट के कुछ एपिसोड में हमें देखने को मिला था कि एनी जो है वो एरन को किडनैप करना चाह रही थी। मुझे उसका रीजन नहीं पता था कि क्यों किडनैप करना चाह रही थी, लेकिन इस वाले में मुझे ये पता चला कि भी एरन को किडनैप क्यों करना चाह रही थी, क्योंकि इसके जो दो साथी वो भी एरन को किडनैप करना चाहते हैं। दरअसल एरन के पास एक ऐसी पावर है कि जो टाइटन है, जो बेकाबू जो टाइटन है, जो ह्यूमन टाइटन नहीं है, जो कई तो होते जैसे एरन हो गए, राइनर हो गए, एनी होगी, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टाइटन के अंदर, और जो अपने आप में ही टाइटन है वो क्या बेकाबू टाइटन है जो इंसानों को खा रहे हैं, उनको काबू करने की पावर है एरन के पास। अब मुझे नहीं पता वो पावर उसके पास कैसे आई, बट ये है कि राइनर और बैटलोट ये पावर चाहते हैं लेकिन अपने लिए नहीं चाहते, वो किसी और के लिए चाहते हैं। और इसके अंदर एक बीस्ट टाइटन भी दिखाया, यानी मंकी टाइटन भी दिखाया गया जो बोल रहा था, उसकी लास्ट में कुछ झलक देखने को मिलती है, उसका नाम इसके अंदर नहीं बताया जाता। खैर मैं ये कहूंगा कि इस सीजन के अंदर भी बहुत सारे जो सवाल हैं फिर से खड़े हो जाते हैं, थोड़ा बहुत इसमें हमें कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं, पर एनी जो अपने आप को कवर कर लेती है उस शील्ड के अंदर, अभी इस सीजन के अंदर उसका कुछ भी और रोल नहीं दिखाया गया, बस उसका नाम लेते हुए हमें इसमें देखने को मिला है। और जो मैं ये कहूंगा यार, मुझे सबसे ज्यादा दुखी तो इस बात से हूं कि मुझे मिकासा से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि यार हाँ यार इस कैरेक्टर को और ज्यादा डेवलप किया जाएगा और इसके अंदर कुछ और चीजें हमें देखने को मिलेंगी मिकासा और एरन के बारे में, बट वो चीजें हमें नहीं देखने को मिलती। खैर यार ये एक उसके लिए बुरी चीज हो सकती है जिसको मिकासा बहुत ज्यादा पसंद है। बाकी ओवरऑल अगर मैं कहानी के परस्पेक्टिव से एनिमे के बारे में बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि एक बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज इन्होंने की है, वो ये है कि कहानी को और अच्छे से डेवलप किया, कैरेक्टर के साथ हमें और अच्छे से जोड़ा गया। यामीर नाम का जो एक इसमें एक लेडी है उसके बारे में जो कहानी बताई गई है कि वो 60 सालों तक जो है वो टाइटन के रूप में भटकती रही थी, अब 60 सालों तक टाइटन के रूप में भटकी फिर वो इंसान बनी, तो इससे ये पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा ओल्ड है और वो कहां से आई है, अब इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यामीर जो है वो क्रिस्टिया एक लड़की है जिसका ओरिजिनल नेम जो ओरिजिनल नाम जो उसका वो है हिस्टोरिया, वो उसको बचाती है। अब वो उसके पीछे रीजन ये है कि हिस्टोरिया को जो इसमें रिलीजियन का थोड़ा बहुत इसमें दिखाया गया, रिलीजियन का वैसे मैं कहूंगा कि फर्स्ट सीजन से ही हमें देखने को मिल जाता है कि इसके अंदर रिलीजियन पॉलिटिक्स होने वाले हैं। और जो एक अच्छी बात लगती है कि इसके अंदर रिलीजियन भी डाला गया है, इससे हमें और ज्यादा इसमें कनेक्शन, इससे हम और ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। और जो हिस्टोरिया है उसकी स्टोरी बहुत ज्यादा इसमें हाईलाइट की गई है कि वो कैसे थी, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और जो रिलीजियन के जो लोग हैं वो उसका नाम बदलना चाहते हैं, उसको मारना चाहते थे, अगर वो मरना नहीं चाहती तो अपना नाम बदल कर इस मिलिट्री में आ जाए, तो उस वो ऐसा ही करती है। और मुझे लगता है कि थर्ड सीजन के अंदर उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि जैसे इसको हाईलाइट किया गया है सेकेंड सीजन में, तो मैं ये ज्यादा उम्मीद लगा सकता हूं कि थर्ड सीजन के अंदर उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाली है। अटैक ऑन टाइटन सेकंड सीजन में टोटल 12 ही एपिसोड है, और इस सीजन के अगर अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो वो है एरविन और राइनर। और एरविन मुझे इसलिए पसंद है एक सीन के अंदर जो इतना ज्यादा डेडिकेटेड है, मतलब ये इंसान अपने लिए जो इसने काम चुन लिया वो उसके ऊपर ही फोकस करेगा। एक फाइट सीन चल रहा होता है, उस फाइट सीन में जो ये एरन को पकड़ रहे होते हैं, मतलब एरन को बचाना होता है, जिन राइनर और बैटलोट एरन को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं, तो इसके पीछे पूरी फौज लगी हुई होती है जिसको लीड कर रहा होता है एरविन जो कैप्टन होता है, तो एरविन का हाथ जो होता है एक टाइटन खा जाता है
टाइटन मतलब हाथ पकड़ के इसको लेके जा रहा है, इसका खा चुका है, और तब भी ये इंसान ये नहीं चिल्लाया कि मुझे बचाओ, इसने सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाकर एरन को बचाओ, उसकी परवाह ना करे, बाकी अपनी फौज को आगे बढ़ने के लिए ये कहता है। और दूसरी तरफ राइनर की बात करूं, इसके अंदर एक स्प्लिट पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलती है, दो तरीके की इसके अंदर पर्सनैलिटी, जो इसको खुद को नहीं पता, इसके अंदर दो पर्सनैलिटी, एक सोल्जर और एक वॉरियर की। जो ये सोल्जर की पर्सनैलिटी वो इसलिए है क्योंकि राइनर और इसके दोस्त बैटलॉर्ड दोनों को पता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा गलत काम किए हैं, और ये जो गलत काम है इनके दिल के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो चुके हैं, और ये एक झूठी लाइफस्टाइल जीकर, यानी सोल्जर की एक झूठी लाइफस्टाइल जीकर अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि इनको कुछ नहीं पता ये टाइटन से लड़ रहे हैं। तो ये दोनों करेक्टर सच में यार मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। 12 एपिसोड के सेकंड सीजन में मैं ये कहूंगा कि हमें कुछ ज्यादा सवालों के जवाब नहीं मिलते, बल्कि ये और ज्यादा सवाल हमारे सामने खड़े कर देते हैं। खैर, आने वाला जो थर्ड सीजन होगा, मे बी उसके अंदर हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जैसे कि एरन को पावर कैसे मिली, और बाहर की दुनिया में कौन है, मतलब कि दीवार के बाहर जो दुनिया है उसके अंदर और कौन रहता है। और फर्स्ट सीजन में एरन के पिता ने कहा था कि उसको बेसमेंट दिखाएंगे, अभी भी बेसमेंट का राज जो है वो सेकंड सीजन कंप्लीट हो चुका है, वो बेसमेंट का राज अभी भी नहीं खुला है। और इस एनिमे सीरीज का सबसे ज्यादा गंदा इंपैक्ट इस बात का है कि हम जिस भी कैरेक्टर से जुड़ते हैं, जिसके बारे में हमने स्टोरी जान ली, जिसको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस इन्होंने दे दिया, और हमें लगता है कि यार ये नहीं मरने वाला, और ये अचानक क्या करते हैं, उसी करैक्टर को मार देते हैं। आई थिंक यही एक चीज है जिससे मेरे दिमाग पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। और तब भी मैं एक आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आप अटैक ऑन टाइटन देखना चाह रहे हैं और देखने की सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं आने वाले टाइम में, अगर आपने नहीं देखा हुआ तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज इसको एक साथ मत देखना। हाँ, आई नो कि अपने आप पर कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बट ट्राई करना, क्योंकि आपकी हेल्थ और माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, मतलब कि ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाली है। एनिमेशन थी फर्स्ट सीजन में, इसको बहुत अच्छे से इस सेकंड सीजन के अंदर भी हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया, इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा रखा गया हमारे सामने, विट स्टूडियो ने मैं कहूंगा कि बहुत कमाल का काम किया। अगेन 10 out of 10 स्टार में इसको देना चाहूंगा, और बाकी मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने इसको देख रखा है, तो अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में मुझे बता देना कि आप लोगों को कैसा लगता है, आपकी फेवरेट कैरेक्टर कौन है, और जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखो यार, तुम बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज मिस कर रहे हो। मेरी आज तक की सबसे फेवरेट जो सीरीज मैं कह सकता हूँ कि वो ये बनी है, नरूटो होगी, ड्रैगन बॉल जी होगी, बेबलेट, जो ये मैं अपने बचपन में देखा करता था, और डेथ नोट जो मैंने देख रखी है, उसके बाद जो है एक वन पीस भी मैंने देखी थी, वन पीस के बाद ये जो चीजें थी मेरे दिमाग में, मेरे दिल में अब तक घर कर गई थी कि मेरी फेवरेट अभी भी हैं, फेवरेट हैं, लेकिन इनके बाद जो अभी जो इनसे ऊपर मैं कहूंगा कि जो इनसे ऊपर जो मैं रखना चाहूंगा वो मैं इसी सीरीज को रखना चाहूंगा, अटैक ऑन टाइटन्स को ही रखना चाहूंगा। तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज यार एक बार जाके देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा इस सीरीज से एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, और इससे ज्यादा यार तुम काफी ज्यादा इमोशनल भी होने को इसमें दिखेगा कि यार जिससे आप कनेक्ट हुए वो मर गए, यानी इन्होंने बहुत अच्छे से ओवरऑल हर चीज के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। खैर, बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।